पॉलिटिकल सवाल मेरा आपसे आप पॉलिटिकल सामने 24 का चुनाव है टिकैत साहब, आज चुनाव है, इस चुनाव में आप बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने वाले हैं? हम तो नहीं किसी के खिलाफ करते ना किसी के पक्ष में करते, आप चुनाव लड़ने वाले हैं ना, चुनाव अब के ये प्रेस वाले लड़ो सारे, न इनको विज्ञापन देने की जरूरत, एक पार्टी बना लो अपनी और सारे एंकर सब लड़ो। हम पे आरोप लगाते हैं सर, सवाल तो सुनिए, अगर बीजेपी के खिलाफ आप प्रचार नहीं करेंगे तो क्या बीजेपी के समर्थन में करेंगे? नहीं, हम ना किसी के खिलाफ कर रहे हैं ना किसी के समर्थन। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है आप, है जी? ओवैसी कह रहे हैं हैदराबाद वाले, और वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। अरे वही तो, आप उनको कहते हैं असली आदमी तो वही है इनका, इनका बीजेपी वालों का, ये मौसी मौसी के हैं दोनों, बीजेपी और ओवैसी दोनों दोनों मौसी मौसी के हैं। नहीं, आप उनको कहते हैं वो आपको कहते हैं, सच्चा कौन झूठा कौन? हमें नहीं कहता भाई, जहाँ पे आरते से दिखे उसे। अच्छा, कहते नहीं कहते, आप ओवैसी की बात कर रहे हैं, हम मेरठ में बैठे हैं, अभी निकाय चुनाव हुआ, ओवैसी की पार्टी नंबर दो पे रही, ओवैसी हैदराबाद से चल के मेरठ में नंबर दो पे हो गए, जब भी तो भाई यंग के लोग जब भी तो बका दिए। आप किसके साथ हैं, आरएलडी के साथ हैं? नहीं, हम किसी के साथ नहीं, हमें किसी के साथ नहीं भाई। अच्छा, एक बार आप चुनाव हारे उसके बाद दिल टूट गया क्या? हाँ हारे, हम चुनाव हारे भाई, पूरी तरीके से हारे। हाँ पूरी तरीके से हारे, तो क्या जनता ने अब भरोसा न रहा? नहीं नहीं, अभी चुनाव वाला सिस्टम हमारा ही नहीं, जहाँ पे भी जाते थे वे कहते थे आप तो चुनाव क्या हो ही नहीं, आप तो आंदोलन करो, आप चुनाव क्यों लड़ रहे, तुम्हारी भी समझ में आ रही, आगे से नहीं लड़ेंगे ना, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव भाई, जिसको लड़ना है हम तो चुनाव की तरफ कुपैर करके। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, आप कह रहे हैं किसी को समर्थन भी आप नहीं करने वाले हैं, किसी के खिलाफ भी आप नहीं जाएंगे, लेकिन करेंगे, 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 किसको आप बताओ, किसको करोगे? किया था उन्होंने 22 में, किया था, आप बताओ, मैं वही बोल रही हूँ, 22 में किया था, आप बताओ, आपने किसको वोट दी, करके फेल भी हो गए, हम बताओ, आप बताओ, 22 में आपने सपा गठबंधन विपक्ष मैंने भाजपा के विरोधी संघ के साथ आप खड़े रहे और प्रचार किया, आप प्रचार भी किए, गलत चीज, आप एक बयान दिखाओ हमारा कि हमने किसी का प्रचार करा। नहीं नहीं, बयान छोड़िए, आप विपक्षी नेताओं से तो मिल रहे हैं ना, हम तो सत्ता वालों से भी मिले, हम तो सत्ता वालों से भी मिले। अच्छा, सबसे मिले राजनाथ जी के यहाँ बहुत आना जाना, नहीं नहीं सब जगह हमारा आना जाना, ये हमेशा सारे छुप छुप के मिले, ये कह रहे हैं कि आंदोलन से पीछे मत हट जाना और हमको भी मुक्ति दिलवाना, मुक्ति अभियान चलेगा, ये बीजेपी वाले भी मुक्त करवाने पड़ेंगे सारे, ये राजनाथ जी वगैरह कह रहे हैं, ये नहीं कहते, और लोग हैं, एक आदमी को क्यों फंसाओ भाई, किससे मुक्ति चाहिए इनको? इनको बीजेपी से, इनसे जो सरकार है आजकल इनसे। अच्छा हाँ, मुक्ति अभियान चलेगा देश में, ये मुक्त करवाने पड़ेंगे सारे, मतलब बंधन में है, सारा काम छोड़ के आप यही करेंगे। अच्छा, जो आप एक राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बना ले ना बीजेपी, ये पहले प्रेस वाले बनाओ, प्रेस वाले तो आपको दिखाएंगे नहीं, ना? नहीं, अरे आप पढ़ो, किसी को जरूरत ही नहीं है, आप तो सत्ता पे काबिज हो जाओगे, ना किसी को विज्ञापन देने की जरूरत है, बढ़िया बढ़िया एंकर आपके पास में है, सब कुछ चुनाव लड़ाओ, रोज टीवी चैनल पर रहते प्रचार करने आएंगे, प्रचार करेंगे आप वाली में तो आ जाएंगे हम हम लोगों का प्रचार करेंगे, हाँ कर देंगे भाई। अच्छा, ये बताइए, 13 महीने किसान आंदोलन आपने चलाया और धरना प्रदर्शन किया, उसमें आप सफल रहे, सरकार को झुकना पड़ा? नहीं नहीं, लेकिन हमने फिर ये बात है, किसी को वो आंदोलन किसी को झुकाने का नहीं था, ना किसी की उसमें जीत थी, ना उसमें किसी की जीत हुई, ना किसी की हार हुई, ना हम किसी सरकार को झुकाना चाहते, हमारे मुद्दे हैं उस पर बात करें, ना हम किसी को नीचा दिखाना चाहते, ना कोई सरकार ठीक है हमारी, उनकी पॉलिसी से वो है, ये पॉलिसी जो गलत बनाएगा हम उसके खिलाफ जाएंगे, लेकिन ठीक है, हमें किसी से कोई लगाव भी नहीं है, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी है, ना हमें किसी से कोई लगाव है, कि कोई कहने लगा जी हमसे ज्यादा लगाव है, ना इस पार्टी में भी बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी है, हमारे संपर्क में रहते हैं सब, हाँ संपर्क में है सब, बात करते हैं, पॉलिसी बताते हैं, लोग कहते हैं कि सरकार के ही राकेश टिकैत, नहीं हमारे तो सबसे संबंध है ना, सरकारी किसान आंदोलन किसान नेता बताते, जो भी आंदोलन अगर चढ़ान पे हो, उठान पे हो, तूफान पे हो, ऐसा नहीं है, राकेश टिकैत नरेश टिकैत को भेज दो, पक्का वो वहाँ शांत हो जाएगा। अब हम लखीमपुर लखीमपुर खीरी का मामला हो, पहलवानों के लखीमपुर खीरी में पांच डेड बॉडी पड़ी हुई है, मैं मौजूद था वहाँ, जब आप पहुँचे तो देखा मैंने, बाप बच्चे उस डेड बॉडी के पास में है, और कोई ये कहे जी इनका दाह संस्कार मत करने दो और सरकार बात मानेगी, और सरकार ने पेपर दे दिया आपको कोरा, जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने कहा जो आपकी डिमांड है आप इस पर लिख कर दे दो, और वहाँ के लोगों को कहा जो वहाँ 10 आदमी थे, हमारा विश्वास इन पे है, क्या आपका विश्वास है?
और जो वहां पे लोगों ने लिखा वो सरकार ने मान लिया उन अधिकारियों ने, तो कहीं का वो चलाओगे वहां पे? और डेड बॉडी का करना क्या था वो बताओ ना, जिसका बच्चा अकेला बच्चा वो वहां पे पड़ा हुआ है, उसकी डेड बॉडी रखी, उसकी माँ बाप बहनें वहां पे लेट रही है उसके पास में, तो आप उस टाइम पे ये कहोगे कि इनका दाह संस्कार मत? जो सरकार ने वादा किया था सारा निभा दिया लखीमपुर में? सरकार ने बहुत सी चीजें वहां पे करी है, उनको फाइनेंशियल मदद वहां पे करी, नौकरी का भी उनका सवाल था, नौकरी कुछ ने करी, वह कच्ची नौकरी दे रहे थे वो हुआ, और जो जो उसमें उनके खिलाफ एक रिपोर्ट होनी थी वो उन्होंने नहीं करी थी, और जिस जो उसकी गिरफ्तारी होनी थी मंत्री की वो कहा कि ये भारत सरकार का काम ही हमारे अधीन नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।